बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने यूट्यूब चैनल किचन एवरीडे में मोहर्रम का शरबत बनाएंगे। ये दूध और बादाम का शरबत होगा जो बहुत ही मजेदार बनता है। आसान सी रेसिपी है, तो आज की इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में एक बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें। ऐसा करने से मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। और अब मोहर्रम के स्पेशल शरबत को बनाने की तरफ आ जाते हैं। ये हमारे पास 20-25 के लगभग बादाम है, इनको मैंने गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। बादाम के ऊपर जो ब्राउन कलर के छिलके होते हैं, नरम पड़ने पर मैंने उनको निकाल दिया था। और साथ में 4 टेबल स्पून दूध में मैंने 1/4 टी स्पून जाफरान को इस दूध में 5 मिनट पहले डालकर भिगो दिया था, ताकि जाफरान का खूबसूरत सा कलर निकल आए। जाफरान ऑप्शनल है, इसकी जगह आप येलो फूड कलर 1 पिंच ले सकते हैं। अब हम बादामों को दूध में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बादाम का फाइन किस्म का पेस्ट तैयार हो चुका है। और दूसरी तरफ हमने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून पानी के शामिल कर दिए हैं। अब पानी को और कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये हमारा मिक्स हो चुका है ये मिक्सचर, और इसको रखते हैं एक साइड पर और रेसिपी को लेकर आगे बढ़ते हैं। इधर 1 लीटर दूध लेकर इसको पैन में डालकर मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर इसके बॉईल आने का इंतजार करते हैं। और बॉईल आने पर चूल्हे को कर देंगे हल्का, और अब इसके अंदर हमने जो बादाम का पेस्ट बनाया था वो शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून क्रश की हुई छोटी इलायची के दाने शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और साथ में 4 टेबलस्पून चीनी की शामिल कर देंगे। चीनी को आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इस दूध को 5 से 6 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि बादाम का फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से दूध में शामिल हो जाए। दूसरी तरफ हमने जो कॉर्न फ्लावर का घोल तैयार करके रखा था वो दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करके दूध में डाल देंगे और चमचा बराबर चलाते रहेंगे, उस वक्त तक के दूध में बॉईल ना आ जाए, क्योंकि ऐसा करने से कॉर्न फ्लावर को डालने के बाद दूध में लंप्स नहीं बनेंगे। 3 मिनट तक दूध को पकाएंगे ताकि कॉर्न फ्लावर का कच्चापन खत्म हो जाए। बस अब ये दूध में इतनी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब गैस को करते हैं हम ऑफ और दूध को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे, उस वक्त तक के लिए जब तक कि ये खूब अच्छी तरह से चिल ना हो जाए। दूध को फ्रिज में ठंडा करने के बाद इसको हम ग्लासेस में डालकर पोर करेंगे और स्लाइसेस में कटे हुए बादाम से इसको गार्निश करेंगे। और ये बहुत ही टेस्टी, झटपट से बन जाने वाला और ताकत से भरपूर खजाना हमारा मोहर्रम स्पेशल दूध बादाम का शरबत बनकर तैयार है। तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मोहर्रम पर जरूर बनाइएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।